Welcome to MK Academy. In this video, we are going to study representation of functions. चार हमारे पास तरीके होते हैं जिनके जरिए से हम functions को represent कर सकते हैं. Number one, verbally, यानी के words से describe करके. Number two, numerically, tables बना के. और number three, visually, graph के जरिए. Number four, algebraically, यानी के फॉर्मूलाज के थ्रू भी हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. आइए बारी बारी देखते हैं इन चारों को एक एग्जांपल के थ्रू. वर्बली यानी कि वर्ड से डिस्क्राइब करके. जब हम ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हम उसको वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करते हैं. द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जबकि न्यूमेरिकली बाय फॉर्मूला उसका ये है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू ओवर आर स्क्वायर. इसमें जी एम वन और एम टू कॉन्स्टेंट है, आर इज इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी. आर के चेंज होने से यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज के चेंज होने से हमारी फोर्स चेंज होती है. तो जो फंक्शन है वो आर पे डिपेंड कर रहा है. अलजेब्रिकली यानी के फॉर्मूले के थ्रू. जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर. इसी तरह सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए टू पाई आर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. दिस इज ऑल एक्सप्लिसिट फॉर्मूलाज और ये हम फॉर्मूलाज के थ्रू डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूमेरिकली टेबल वैल्यूज के थ्रू. लेफ्ट साइड में ईयर का कॉलम आप देख रहे हैं और राइट साइड पे पॉपुलेशन का. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है, साल के बदलने से पॉपुलेशन बदलती जा रही हैं. तो ये हमारा जो मेथड है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो है टेबल वैल्यूज के थ्रू. आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं इसी टेबल का, यहाँ पे बनाया हुआ है. दिस इज अ स्कैटर प्लॉट क्योंकि इसके दरमियान में गैप्स है. एक कॉन्टिन्यूस लाइन के थ्रू ये ग्राफ हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि जो टेबल वैल्यूज हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि टाइम है हमारे पास उसमें भी गैप है. दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस. 1900 और 1910 के दरमियान में 10 ईयर्स का गैप, तो ये हमने ये गैप को ही शो कर रहा है. और 1900 में 1650 मिलियन पॉपुलेशन है. 1920 में यू कैन सी के 1860 पॉपुलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट विजुअली बाय ग्राफ. यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को मैंने ग्राफिकली शो किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जब हम y इज इक्वल टू x की बात करते हैं तो दिस इज लीनियर एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ. y इज इक्वल टू x के का ग्राफ है ये. y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है ये. y इज इक्वल टू 1 ओवर x का ग्राफ है. दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का ग्राफ है. दिस इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ है. दिस इज द वे कि ग्राफिकली हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है. ओके एक फंक्शन हम लेते हैं कि जो इनपुट लेगा नेगेटिव टू, नेगेटिव वन, जीरो, वन एंड टू. और इस इनपुट में एंड एड टू टू द इनपुट. उस इनपुट में टू प्लस कर लेना है हमने. इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे ये वर्ड में हमने डिस्क्राइब किया. इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका. वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. वेयर एक्स इज दिस सेट. एक्स के एक्स को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे वाई वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी. टेबल वैल्यूज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.